हे गाइस, वेलकम टू शाहिना किचन। आज आप देखने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त घर में बनी हुई चिली चिकन। सो अगर घर में जायकेदार चिली चिकन मिल जाए तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सो आइए मेरे किचन में और बनाते हैं जबरदस्त सा यमी चटाकेदार चिली चिकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, चिली चिकन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 400 ग्राम चिकन। इसमें मेजरली बोनलेस चिकन है और कुछ सॉफ्ट बोन वाले भी पीसेस हैं। सो आप चाहें तो सिर्फ बोनलेस ले सकते हैं, मुझे थोड़े सॉफ्ट बोन्स भी अच्छे लगते हैं। तो ये है 400 ग्राम्स चिकन जिसको मैंने स्मॉल स्मॉल पीसेस में काट लिया है। इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। आप ये चिली पाउडर एंड काली मिर्च पाउडर कम बेसी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने लिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 टीस्पून भरकर मैंने लिया है कश्मीरी रेड चिली, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। दिस इज अगेन ऑप्शनल। 1/2 टीस्पून मैंने लिया है चिकन मसाला पाउडर और ये 2 टीस्पून मैंने लिया है कॉर्न स्टार्च। और 1 टीस्पून के अराउंड मैंने मैदा लिया है और इसमें मैं 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालूंगी। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून सोया सॉस। तो आप नमक का ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें सोया सॉस होता है जिसमें सॉल्ट भी होता है, तो नमक आप उसी के अकॉर्डिंग डालिएगा। साथ में मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून विनेगर, ये वाइट विनेगर है, आप कोई सा भी विनेगर ले सकते हैं जो कि प्लेन होनी चाहिए। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 अंडा। आप चाहे तो अंडे को स्किप कर सकते हैं बट जो इसकी ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें अंडा तो जाता ही जाता है, सो इट्स योर चॉइस। जो अंडा नहीं खाते हैं वो इसको स्किप कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मैरिनेट करना है। सो गाइस, ये देखिए मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। इसको मैं सिर्फ 10 मिनट्स के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ूंगी। आप चाहें तो इंस्टेंटली भी बना सकते हैं, 10 मिनट छोड़ेंगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट आएगा। सो गाइस, जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है मैं आपको दिखा देती हूँ वेजिटेबल्स हमारे कौन कौन से इसमें जाएंगे। और ये सारी वेजिटेबल्स ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए, अदरवाइज आप वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन जो जरूरी चीज है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे गार्लिक चॉप करके रखा है जो कि 7 से 8 कलियां हैं, इसको मैं बारीक चॉप कर दिया है मैंने। और ये 1/2 इंच के करीब अदरक है जिसको मैंने अच्छे से चॉप कर दिया है। और ये चिलीज हैं जो कि 3 से 4 हैं, तो इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब क्या है कि क्योंकि हम बना रहे हैं चिली चिकन तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिलीज जरूर जाएंगी, तभी इसका टेस्ट अच्छा आता है। सो ये रहे चिलीज। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वेजिटेबल्स में हमें क्या क्या चाहिए। ये अनियन को स्क्वायर शेप में मैंने डाइस कर लिया है, ये 1 अनियन के करीब, 1 1/2 अनियन है जिसको मैंने डाइस कर लिया है। ये शिमला मिर्च है जिसको मैंने स्क्वायर शेप में डाइस कर लिया है। मेरे पास कुछ बेल पेपर्स भी थे तो मैंने इसमें बेल पेपर भी यूज किया है, ये 1/2 बेल पेपर है और ये 1/2 रेड बेल पेपर है। तो बस इतने ही मसाले हैं मेरे पास, अगर आपके पास कॉर्न है तो आप कॉर्न भी डाल लीजिए, आपके पास जो भी अवेलेबल है उसको आप यूज कर सकते हैं। सो गाइस, 10 मिनट हो गए हैं, आइए हम किचन की तरफ चलते हैं। सो गाइस, तेल गरम हो गया है और हम एक एक करके अपने चिकन को इसमें डालते हैं। इस चिकन को हम धीमी आंच पे ही सेकेंगे
ज्यादा तेज आंच नहीं करना है। सो गाइस देखिए, मैंने हाफ पोर्शन ऑफ द चिकन डाल दिया है, दो बैचेस में जाएंगे ये। सो अभी इस चिकन को छेड़ना नहीं है, आप हिलाएंगे डुलाएंगे तो इसकी परत निकल सकती है, तो बेटर है कि आप 5 मिनट तक तसल्ली से इसको छोड़ दीजिए, जब नीचे से अच्छे से सिक जाए उसके बाद आप पलटेंगे। तो अभी 5 मिनट तक ऐसी रहने देते हैं। सो गाइस, चिकन को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और नीचे बेस भी छोड़ दिया है, तो हम इसको एक एक करके सावधानी से पलट देंगे। सो गाइस देखिए, चिकन के सारे पीसेस को मैंने पलट दिया है, कितना बेहतरीन कलर आया है। तो दूसरा साइड भी मैं 5 से 7 मिनट तक ऐसी धीमी आंच पे पकाऊंगी, तो जल्दी मत कीजिए, इसको धीमी आंच पे सिकने दीजिए सो दैट चिकन अच्छे से दोनों साइड से पक जाए। और जैसे ही ये निकलेगा मैं दूसरा बैच ऐड कर दूंगी, तेज आंच नहीं करना है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। सो गाइस देखिए, चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो गया, मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये बड़ा सॉफ्टर साइड देख रहे हैं, अंदर से कितना जूसी ऊपर से अच्छा सा। सो इसी तरीके से हमें चाहिए चिली चिकन में चिकन। अब हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये मैंने कढ़ाई गरम कर ली है, मैंने 2 टीस्पून के करीब ऑयल ले लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी जो मैंने बारीक चॉप किया हुआ जिंजर गार्लिक और चिलीज करे थे, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। थोड़ा सा सॉटे होने के बाद मैं बाकी वेजिटेबल्स इसमें डाल दूंगी। ये देखिए, चिलीज एंड जिंजर गार्लिक सॉटे हो चुके हैं, बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इसी में मैं सबसे पहले अनियन ऐड कर दूंगी। अनियन को हल्का सा सॉटे करूंगी, फिर मैं ग्रीन कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ। इन दोनों को थोड़ा सॉटे होने के बाद बाकी मैं बेल पेपर्स ऐड करूंगी। अनियन और कैप्सिकम सॉटे हो गया है, अब मैं येलो एंड रेड बेल पेपर्स इसमें ऐड कर दूंगी। हमें इनको ज्यादा नहीं पकाना है, बस हार्डली। गाइस वेजिटेबल सॉटे हो चुके हैं, अब आइए इसकी सॉस की तैयारी करते हैं। सो गाइस, मैंने 1 कप पानी लिया है, इसमें मैं 1 टीस्पून सोया सॉस मिला रही हूँ। साथ ही में मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून सेजवान सॉस। इसमें मैं ऐड करूंगी 2 टीस्पून टोमेटो सॉस। मैं इसलिए करके दिखा रही हूँ क्योंकि मसाले में इसको फिर ऐड करना बहुत इजी होता है और इजी टू कुक होता है। मसाले में आप डायरेक्टली डालेंगे तो ये बर्न हो जाता है। ये देखिए, मैंने मिक्स कर दिया है और इसी मसाले में मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर, आप चिकन क्यूब्स भी यूज कर सकते हैं। और मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून के अराउंड सॉल्ट। सॉल्ट कम ज्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से आप कर सकते हैं। अब ये सॉस मेरा तैयार है। अब इस सॉस को मैं बाकी इंग्रेडिएंट्स में ऐड करूंगी जो मैंने वेजिटेबल सॉटे किया है। तो गाइस, अब इसी में मैं अपने सॉस को ऐड कर दूंगी। अब ये मैं तेज आंच में पकाऊंगी। सो गाइस, हमारा थिक सॉस तैयार है, इसी में मैं चिकन को ऐड कर देती हूँ। और ये गैस का फ्लेम आप हाई पे ही रखेंगे। ये देखिए कितना जबरदस्त बना है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब जब सॉस की जो क्वांटिटी है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको सॉस वाला ग्रेवी चाहिए तो सॉस ही रख सकते हैं, या तो आप ड्राई चिली चिकन खा सकते हैं। सो मेरे हिसाब से ये तो मेरे हिसाब से सही है, मैं इतना ही रखूंगी, आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसको मैं 2 मिनट के लिए ऐसे ही चलाऊंगी और उसके बाद मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी।
सो गाइस मेरा चिली चिकन तो तैयार है। मैं इसको अब गैस के फ्लेम को बंद कर रही हूँ। आइए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। सो गाइस लीजिए चिली चिकन तैयार है, मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ और तोड़कर भी दिखाती हूँ कितना जबरदस्त बना है, इतना सॉफ्ट एंड जूसी अंदर से। आप थोड़ा अनियन के साथ लेते हैं और मैं टेस्ट करके बताती हूँ। वाह वाकई बहुत ही जबरदस्त चटाकेदार है। आप देर मत कीजिए, जल्दी जल्दी आप इस रेसिपी को बनाइए और एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू शाहिना किचन, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए सो दैट मेरी रिसेंट अपलोडेड वीडियो आपको इजीली देख सकें आप, और दैट इज अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट। सो एंजॉय दिस रेसिपी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग शाहिना किचन। यू हैव अ गुड डे।